seek greatness. Trust me, you can take it. Go on and take your aim. A few moments later. Oh, hi. Hello, family members, and welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. And like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end. Yeah, babe. हेलो सो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा मतलब ना, आप देख रहे हैं मनपसंद यूट्यूब चैनल। तो गाइस, किसी में भी सोलो में रैंक पुशिंग मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह उतर मैं यहाँ पे इवेंट पे, लेकिन इस बार इवेंट पे उतरने के साथ साथ ना मेरे साथ यहाँ पे एक बंदा उतरता है। अब वो वाला बंदा ऐसा निकल जाता है, मैं उससे कहता हूँ कि मेरे को यहीं पर ड्रॉप कर दे, लेकिन बंदा यहाँ से निकल पड़ता है। कोई बात नहीं, अपन देखना यहाँ पे उतर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे मैं कितने ज़्यादा किल निकालने वाला हूँ आप लोग बस वो देखना यहाँ पे खाली। अब देखो यहाँ पे एन सारे बोट आने वाले हैं, पहले यहाँ की पूरी फाइट देख लो। मैं आने जाके आप लोग से यहाँ पे बातें करूँगा। अब देखो इन सारे बंदों को फिनिश करने के बाद ना यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो यहाँ पे रियल होता है। मैं उसको भी यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही हिल वेटिंग करता हूँ ना, तो यहाँ पे एक और बोट आने वाला है जो यहाँ पे मेरे को किल देने वाला है। समय पहले मैं देखो क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ उसके यहाँ पे पेटी लूटने के लिए। तो यहाँ पे देखना क्या होने वाला है अभी। मार्क्ड लोकेशन। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, पहले मेरे को लगता है ये वाला बंदा यहाँ पे रियल बंदा है, क्योंकि ये निंग रहा था ना, जैसे मेरे को लग रहा था ये वाला बंदा यहाँ पे रियल है। तो यहाँ पे मैं बहुत बाल बाल बच चुका हूँ। अब रियल है कि बोट है मेरे को नहीं पता, मेरे को मारने से मतलब। तो यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया उस वाले बंदे को। अब मैं आ जाता हूँ इसकी यहाँ पर पेटी लूटने के लिए। अब यहाँ पर जैसे पेटी लूटने के लिए आता हूँ ना, तो यहाँ पर नीचे साइड ना दो बंदे यहाँ पर फाइट लड़ रहे थे, मतलब दो बंदे यहाँ पर फाइट लड़ रहे थे। अब हमेशा ही आपके संग होता रहता होगा कि भाई आप लोग जाते हो और दो बोट लड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे एक बोट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ऐसा ना मेरे पास कई बार हो चुका है, मैं आप लोग संग हर बार शेयर करता हूँ बात ये वाली। तो ऐसे ही कुछ इस वाले मैच में भी होने वाला है। अब देखो वहाँ से निकलने के बाद आ जाता हूँ मैं इस साइड को, ऊपर साइड को। अब यहाँ पर देखना एक बंदा यहाँ पर ऊपर है। अब मेरे यहाँ पर अब बंदा यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था ना ये वाला बंदा, कि यहाँ पे आप लोगों के संग क्या ही बताऊँ। और उस समय यहाँ पे मेरा लैग भी ना बहुत गंदा मार रहा था मोबाइल। और ऐसे में इसमें चक्कर में यहाँ पे मरने वाला हूँ वो कैसे, यहाँ पे बहुत सारा डैमेज हो जाता हूँ मैं देखो। अब यहाँ पर ना ये बंदा सीधा मेरे पर पुश करने वाला है। अब यहाँ पर जैसे ही पुश करेंगे ना, तो यहाँ पर मेरा डिवाइस ना पूरा हैंग हो जाएगा। और हैंग होने के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा मेरे को ना मुसीबत झेलने को मिलती है। पहले यहाँ की फायर देखो। I need a weapon. अब यहाँ पे ना आप लोगों ने एक गौर किया होगा मेरा यहाँ पर डिवाइस कितना ज़्यादा लैग मारा होगा, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो वीडियो बैक करके पूरा देख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मरने के बाद ना मैं आ जाता हूँ इस इवेंट पे, क्योंकि वहाँ पे अपना खेल खत्म हो चुका है। अब आप उनको खाली सेफ खेलना है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही आता हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा डर डर के खेल रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मारने से मर गया ना, तो मेरा यहाँ पर मारने पक्का चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेफ खेल रहा था।
अभी तक मेरे को पता नहीं था बंदा यहाँ पे छुपा बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही निकलूंगा ना यहाँ से, अब वैसे ही यहाँ पे निकलूंगा ना, वैसे देखना क्या होने वाला है मेरे साथ। देखो यहाँ पे जैसे मैं निकला ना यहाँ से, तो मेरे को ना यहाँ पे बंदे की फुट आई है पीछे साइड को, तो यहाँ पे मैं बंदे पर ना पुश करने के लिए चला जाता हूँ। अब मैं जैसे इस बंदे पर पुश करने के लिए जाता हूँ, तो ये भाई साहब यहाँ से निकल पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं तो गोल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आए ना, तो यहाँ पर मेरे को बंदा नहीं दिखता है। अब मैं यहाँ पर खूब ढूंढा इस वाले बंदे को, लेकिन यह बंदा यहाँ पर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ उस वाले बंदे को। अब छोड़ने के बाद ना यहाँ पर थोड़ा मैं होल्ड कर लेता हूँ। अब देखना पूरा सर्वर यहाँ पर जोन कर लूँगा, पूरा सर्वर यहीं पर जोन किया मैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक बंदा मेरे सामने साइड आ चुका है। अब इस भी बंदे की यहाँ पर हरकतें देखना और यहाँ पर मेरी हरकतें देखना। मेरे को यहाँ पर कैम नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर होल्ड करके बैठा हूँ, लेकिन बंदा यहाँ पर आ जाता है। फिर देखना इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस ये वाला बंदा ना यहाँ पे मेरे को ना गरिया रहा हुआ, क्योंकि भाई इतना गंदा कैम्प करके कौन बैठता है। लेकिन मैं यहाँ पे कैम्प करके नहीं बैठा था, मैं यहाँ पे होल्ड करके बैठा था। किल मेरे हो चुके थे, बस मेरे को यहाँ पे टाइम पास करना था, तो मैं यहाँ पे बगल से निकल के ना इंस्टाग्राम चला रहा था। उतने में ये भाई साहब आ जाते हैं, जो यहाँ पे इनकी पेटी बन जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसकी पेटी तो बन चुकी है। अब यहाँ पे एक और बंदा आने वाला है। अब उस वाले बंदे यहाँ पर जो बचता है ना, वो वाला बंदा, वो देखने के बाद आप लोग यहाँ पे एक लाइक तो ज़रूर कर दें। और कहाँ जाके मरने वाला है, समय पहले हम देखो मैं हिल वेटिंग करता हूँ, यहाँ पे पैंट लेवर का लगा दूंगा। तो यहाँ पे तुरंत ना मेरे पे एक फुट आने वाला है अभी। अब इस वाले बंदे को यहाँ पे इतना डैमेज देने के बाद भी बंदा, और आखिरकार ये वाला बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अपने यहाँ पे एक और किल मिल जाता है, जो अपने यहाँ पे 8 किल हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं मिलता अगर अपन किल ना निकालें। अब देखो मेरी आगे साइड ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ी पड़ी हुई है, और मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ बंदा हो सकता है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ी आगे साइड को जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब पीछे वाले बंदे को आपको देख रहा था कि कोई ना कोई यहाँ से पैदल हो सकता है, आ सकता है मेरे साइड जोन की साइड को। तो यहाँ पे मैं होल्ड करके बैठा हुआ था। अब जितने देर यहाँ पे होल्ड किया ना, उतने देर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लिया। अब मेरे को यहाँ पर निकलने की बारी आ चुकी थी, क्योंकि जोन ना नीचे साइड कट चुका था, मैं यहाँ पर जोन का वेट कर रहा था। तो जोन तो वहाँ नीचे साइड कट गया। आप देखो यहाँ से मैं निकलता हूँ फटाफट जोन की साइड को। अब मैं यहाँ पर जैसे जोन में निकलता हूँ ना, तो ये सामने वाला घर है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एंड सारी गाड़ी रुकी होती, मतलब 2 से 3 यहाँ पे गाड़ी रुकी बैठी थी। देखो मेरे को यहाँ पे गाड़ी दिखी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डर के खेल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे कैंप करके बैठा ना हुआ हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मेरे को ना कैंपर मिल जाते, और नीचे साइड से यहाँ पे फायर भी आ रहा था बहुत तेज। तो शुक्र है यहाँ पे कोई नहीं दिखता मेरे को, तो मैं यहाँ पर नीचे से फटाक से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे पोजीशन चाहिए थी अच्छी सी। और यहाँ पे मैं सेंटर पकड़ता हूँ सीधा सेंटर, और देखना फिर सेंटर पकड़ने के बाद ना क्या होने वाला है, और यहाँ पे मैं सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, वो दिख लेना खाली यहाँ पे। समय पहले यहाँ से मैं निकलता हूँ फटाफट नीचे की साइड को, क्योंकि यहाँ पर जोन में कवर कर लूँगा, तो मेरे यहाँ पर अच्छा खासा प्लस मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, तो यहाँ पर ही बात बात की, यहाँ पर मेरे को ना हिरन मिल जाता है, तो मैं ये उठा के निकल पड़ता हूँ जोन के साइड को। अब देखो यहाँ पे जोन में निकलता हूँ जैसे, तो यहाँ पे सामने साइड यहाँ पे एक घर में बंदा बैठा हुआ था। अब उस वाले बंदे से यहाँ पर जो मेरी फाइट होने वाली है, और बहुत देर तक यहाँ पर मेरी फाइट होने वाली है, वो आप लोग इंजॉय जरूर जाना। हम यहाँ पर जैसे ही घर में आए ना, तो बंदे को यहाँ पर मैंने अच्छा खासा डैमेज तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर बंदे को मैंने डैमेज दे दिया है, मेरे को बस इतना ही पता है। अब यहाँ पर मैं नेट डालता ना, तो यहाँ पर मैंने नेट देखना कैसे मैं डालूंगा यहाँ से नेट, कितना यहाँ पर फालतू नेट गया मेरा, कुछ काम का भी नेट नहीं है यहाँ पे। तो इसी तरह देखना भी क्या होने वाला है।
अब मैंने ना इस बर्फ से ना सामने वाला गेट बंद कर दिया क्योंकि बंदा मौली वगैरह ना डाले मेरे घर में, तो मैंने उसको यहाँ पर बंद तो कर दिया लेकिन बंदा तो भी मानेगा तो नहीं। अब देखो मैं ऊपर साइड देख रहा था कोई नीचे साइड ना आया ऊपर को बंदा। अब आगे साइड ना यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, उन लोग भी बंदे की यहाँ पहले मैं सोचता हूँ मैं पूछ कर दूँ डायरेक्ट, उन लोगों को यकीन आता है कि भाई दो बंदों के यहाँ फाइट हुए हैं, बट ये भी नहीं किया जाए क्योंकि अपन को यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ और मैं थोड़ी आगे साइड देखने लगता हूँ क्योंकि इस साइड से यहाँ पे फायर बहुत देर से आ रहा था। और क्या होता ना यहाँ पे ऊपर साइड भी एक आध दो बंदे यहाँ पे कैम करके बैठे हुए थे जो यहाँ पे मतलब नीचे साइड को आने वाले हैं। अब देखना यहाँ पे क्या होता है मेरे पे और बंदे सारे आएंगे मेरे पे और तुम देखना यहाँ पे फाइट कितना धनासुन युद्ध फाइट होने वाली है वो आप लोग देख के ना हैरान तो होने वाले हो। समय पहले हम देखो लास्ट जोन की फाइट आप लोगों ने जरूर देखना चाहिए क्योंकि अपन को यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता ना यहाँ पे मैं जैसे होल्ड करके बैठा हुआ था ना तो इतने में यहाँ पे एक दो बंदे आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता ना ऊपर साइड से यहाँ पे फायर बहुत देर से आ रहा था लेकिन बंदा मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब मेरे जस्ट एक नीचे बंदा है जो यहाँ पे दूसरे वाले बंदे को यहाँ पे फिनिश करेगा तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करूँगा। अब थर्ड पार्टी कैसे करूँगा वो दिखना खाली यहाँ पे। अब फिलहाल के लिए वाले बंदे यहाँ पे मॉल डालने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे आके कैमरा पर बैठ चुका हूँ, मतलब सामने साइड होल्ड कर दिया मैंने। बंदा यहाँ पे देखना मैं जैसे निकलूँगा ना यहाँ से तो बंदा यहाँ पे मॉल डालेगा। बंदे ने जैसे ही ऐसा मौली डाला तो बगल का जो गैस कैन है ये ब्लास्ट करने वाला है। अब मैं यहाँ पर फटाक से अपना कवर बना लेता हूँ क्योंकि और ना यहाँ पर डाला जाए बंदे को। तो जैसे ही यहाँ से ऊपर से फायर आता ना तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ से फायर दिया और कहाँ से इस वाले ने बंदे ने यहाँ पर मारा। अब पीछे यहाँ पर बंदा आ चुका है, अब दोनों की यहाँ पर फाइट होने वाली है। अब देखना यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी कैसे करूँ, थोड़ा रिस्क पड़ेगा। जैसे ही उस बंदे ने यहाँ पे मेरे को ना उस वाले सब बंदे का फिनिश किया ना मैं तुरंत इसके ऊपर पुश कर देता हूँ। अब देखना यहाँ पे मैं हील वेटिंग करूँगा और एक प्यार से नीड आने वाला है मेरे पे जो यहाँ पे मेरी एटी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसी तरह अपने यहाँ पर गेम खत्म हो जाता है। अगर ये वाली वीडियो आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना।